हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चीजी वेज रैप्स। ये देखिए फ्रेंड्स, रैप्स हमारे कितने चीजी बने हैं। आप भी इन रैप्स की रेसिपी को एक बार जरूर बनाएं। चलिए आइए रैप्स बनाना शुरू करते हैं। बाउल में 1 कप हम मैदा ले लेंगे और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। आप आधा आटा और आधे मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। ये देखिए डो हमारा रेडी है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाकर डो को स्मूथ कर लेंगे। डो हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। डो को हम ढक कर रख देंगे, तब तक हम स्टफिंग रेडी करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए पैन में कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। कुछ सेकंड के लिए इन्हें भून लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन चला जाए। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए प्याज को भून लेंगे। सब्जियों को हमें ज्यादा पकाना नहीं है, इन्हें क्रंची रखना है। क्रंची सब्जियों का टेस्ट रैप में बहुत ही बढ़िया लगता है। जैसे ही प्याज हल्के से सॉफ्ट होने लगे, हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए शिमला मिर्च को भी भून लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर के बीज निकाल लें और इसे लंबा लंबा कट कर लें और कुछ सेकंड के लिए टमाटर को भी भून लेंगे। सॉफ्ट हमें इसे नहीं करना है। थोड़े से स्वीट कॉर्न डाल देंगे। ये स्वीट कॉर्न को मैंने बॉईल किया हुआ है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे, इससे कलर बढ़िया आता है। थोड़ा सा ओरिगेनो डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। स्टफिंग हमारी रेडी है। अब हम डो को चेक कर लेते हैं। स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रखते हैं। डो भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब डो में से इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर लेंगे। हाथ को कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और डो को स्मूथ कर लेंगे। इसके बाद हम इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सरफेस को पहले साफ कर लें। इसके बाद इस पर सूखा मैदा लगाकर हम इसे पतला बेल लेंगे। रैप हमने पतले ही बनाने हैं, इस बात का ध्यान रखें। 1 चम्मच रेड चिली सॉस ले लेंगे और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें मेयोनीज डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ये हमारी बढ़िया सी सॉस बनकर रेडी हो जाएगी। इसके बाद हम रैप बनाएंगे। अगर आपके पास रेड चिली सॉस अवेलेबल नहीं है, तो आप टमाटो केचप का यूज़ भी कर सकते हैं। तवे को गर्म होने के लिए रख देंगे और अब हम इसमें रैप को सेकेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं सेकना है। हल्का सा सिकने के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दोनों साइड से हल्का सा ही सेकेंगे। इसके बाद हम इसे कपड़े पर रख लेंगे और कपड़े से कवर कर देंगे ताकि रैप हमारे सूखे नहीं। इसी तरह सारे रैप्स को हम बनाकर रेडी करेंगे। अब हम एक रैप पर अपनी सॉस लगाएंगे। यह सॉस लगाने से इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। अब हम स्टफिंग रखेंगे। पहले हम चीज़ रख लेते हैं। ये मैंने मोजरेला चीज़ का यूज़ किया है। इसके बाद हम स्टफिंग रखेंगे। मोजरेला चीज़ रखेंगे। चीज़ की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम चीज़ स्लाइस रखेंगे। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे और थोड़ा सा ओरिगैनो डाल देंगे।
अब हम इसे रैप कर देंगे, हल्का सा प्रेस कर दें। इसी तरह सारे रैप्स को हमने रेडी करना है। इसके बाद हम इसे तवे पर सेक लेंगे। तवे को गर्म होने के लिए रख देंगे और कुकिंग ऑयल से या बटर से इसे ग्रीस कर लेंगे। बटर में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम रैप को तवे पर डालेंगे। ऊपर से हम बटर लगाकर इसे सेक लेंगे। आप कुकिंग ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। स्पैचुला से हल्का सा प्रेस कर दें और दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक हम इसे सेकेंगे, जिससे कि चीज़ भी हमारी मेल्ट हो जाए। ये देखिए, चीज़ी वेज रैप हमारा रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, नाइस कलर, कितना बढ़िया चीज़ी हमारा रैप रेडी हुआ है। एक बार आप बना लेंगे तो बच्चे तो चट ही कर जाएंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।